Hello guys, so welcome to our new video. Recently we visited Wayanad and stayed in a very good property of Banasura. So हमारे होटल का नाम है बोनिता बानासुरा और ये है हमारा फर्स्ट डे बोनिता बानासुरा में. So चलते हैं होटल के अंदर. Let's get started. रूम बैठ से बैठ मैं रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा आपको. जी ये रूम की वीडियो देगा. होटल फुल है क्या? सीजन टाइम क्योंकि अभी हमारा रूम रेडी हो रहा है. सो हम चल रहे हैं ऊपर रेस्टोरेंट को देखने जो कि टॉप पे है और वहां से व्यू भी मिलेगा. ये सिटिंग अरेंजमेंट है जो कि रूम्स के बाहर ऐसे दिया हुआ है. एंड गाइस दिस इज द टॉप व्यू फ्रॉम अवर होटल और यहीं पे इनका ये रेस्टोरेंट है. आप देख सकते हैं कि सामने बहुत ही अच्छा व्यू है. लेक व्यू रेस्टोरेंट है. ये लेक नहीं है, ये बानासुरा सागर है और यहाँ पे ये कंप्लीट माउंटेन रेंज है. प्लस सागर में अगर बोटिंग वगैरह भी होती है तो वो यहीं से अच्छे से दिखती है. दिस इज द रेस्टोरेंट. ये है इसका मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इस होटल का. और ये हमें यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर से आप सनराइज भी देख सकते हैं मॉर्निंग में आके. सो हम प्लान कर रहे हैं कि हम भी कल मॉर्निंग में आए यहाँ पे सनराइज देखें. तो अभी तो हम वेट हो रहा है और थोड़ा सा यहाँ पे हम व्यू के साथ अपने फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैठ के थोड़े से मजे करेंगे. व्यू मिला है रेस्टोरेंट के. तो यहाँ पे है ये टिकट अवेलेबल. ओके, छोटा सा टीवी है एंड दिस इज द बेड. नाइस डेकोरेशन ऑफ टॉवल. एनीवेज ये टॉवल तो वैसे भी हम लोग होटल में यूज़ नहीं करते हैं. हम अपनी टॉवल हमेशा लेके आते हैं बट इट्स नाइस डेकोरेशन. और साथ में यहाँ पे हैं कुछ मिरर्स, डेकोरेटिव मिरर्स. बेड भी क्लीन लग रहा है एंड दिस इज़ वन अलमीरा लैम्प एंड दिस इज द वॉशरूम. शार एरिया डिसेंट एंड नाइस. दिस इज वन वार्डरोब. ओके, सो ये एक डिसेंट सा रूम है जिसमें कि क्लीन है. वैसे तो सब कुछ क्लीन है. और ये है एक मिरर, ये काम की चीज़ है. तो मेन अट्रैक्शन है ये बालकनी और अब हम चलते हैं बालकनी की तरफ. तो ये है बालकनी का रास्ता. सो दिस इज द व्यू फ्रॉम द बालकनी, लेक व्यू. एक्चुअली व्यू ऊपर से और ज़्यादा क्लियर है. उसके प्राइस 1000 रुपये जाता है ऊपर वाले सेम. और ये कुछ लाइटिंग्स हैं. Guys, what a lush greenery. और पीछे ये है लेक. तो दिस इज अवर डे वन इन वायनाड केरला. और आज की डिनरी ये है कि ये जो लेक है यहाँ पे एक बानासुरा डैम है तो वहाँ पे हम चल रहे हैं. डैम को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद शाम हो जाएगी. शाम होने के बाद हम डिनर करेंगे एंड देन सो जाएंगे. एंड सी द लश ग्रीनरी फ्रॉम माई बालकनी. तो ये है हमारा रूम. ये है स्टेयर्स. स्टेयर्स दोनों साइड से हैं, इधर से भी हैं और इधर से भी हैं. और यहाँ पे इनका थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट है इनका. तो हम यहाँ पे भी बैठ के चाय वाय पी सकते हैं. बट इसमें बुक्स भी रखी हैं अगर पढ़ना चाहो तो. हाँ, बुक्स हैं ऐसे शेक्सपियर वगैरह की बुक्स लग रही हैं. अच्छी बुक्स हैं. और प्रेस करना हो तो आप प्रेस कर सकते हैं. सो गाइस, अगर आपको इस होटल के व्यू के साथ कुछ अच्छी सी पिक्स एंड रील्स देखनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है क्रिएटिव दीप्ति. सो ये था हमारा फर्स्ट डे. इसके बाद हम सो गए थे, थोड़ा सा जल्दी सो गए थे क्योंकि काफ़ी टायर्ड थे हम उस दिन. और नेक्स्ट डे हमें यहाँ से सनराइज भी देखना था. Morning.
मॉर्निंग फ्रॉम वायनाड। क्या व्यू है यार, ये मेरे होटल से व्यू है और पीछे हो रहा है सनराइज, सूरज की पहली किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं। वाह, हेलो गाइस, दिस इज डे टू इन वायनाड और फुल सूरज निकल आया, बहुत ही प्यारा सनराइज देखा मैंने यहाँ पर, बहुत ही प्यारा। अब हम लोगों को पता नहीं क्यों टॉप फ्लोर रेस्टोरेंट की आदत पड़ गई, जब से हम लोग 31st फ्लोर गए हमें घूमने में भी टॉप फ्लोर रेस्टोरेंट ही मिलते हैं। एक मैं पिक लूँगी यहाँ पे। वही है, ठीक है। व्हाट इज दिस? ग्रिल फिश। एंड दिस इज फ्राइड। इसका नेम है नई पतल। नहीं पता? नई पतल। अच्छा, नेम है नई पतल। आई थॉट नहीं पता। बॉम्बिनो भी नारियल के तेल में बनी हुई। इस रूम की सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी टॉवल ओवल बड़ी ही आसानी से सूख सकते हैं। आज है हमारा वायनाड में डे टू और हम लोग चल रहे हैं ग्लास ब्रिज की तरफ, तो लेट्स गो। बोला था लेकिन नहीं पता, वी थॉट कि ही डजंट नो, ही डजंट नो, नहीं पता सोचा था। ही एक्सप्लेन इस डिश का नाम है नहीं पता, नहीं पता। बहुत ही फाइन व्यू है रेस्टोरेंट का, टॉप व्यू रेस्टोरेंट। मॉर्निंग में तो और भी अच्छा लगता है बट नाइट में भी अच्छा ही है। और फर्स्ट टाइम मैंने ओपन किचन देखी है इनकी, ये लोग हमारे सामने बनाते हैं और हमें सर्व करते हैं, कुछ छुपाते नहीं है। तो बेसिकली ये रेस्टोरेंट का व्यू है क्योंकि नाइट में कुछ ऐसा सा है और यहाँ पे कुछ गेम्स भी हैं, ये गेम्स हैं तो वो भी खेल सकते हैं अगर हम जैसे फ्री हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा पहाड़ी एरिया में ऐसा होता है कि 7 अराउंड 7-8 के बाद हम होटल में ही आ जाते हैं। तो अगर होटल का व्यू अच्छा हो ना तो फिर होटल में बैठने में मज़ा भी आता है। तो यहाँ हम रेस्टोरेंट में आके कल भी ऐसे ही बैठ गए थे और अभी भी हम यहाँ पे टेरेस पे आके बैठ गए हैं, थोड़ी देर में हम लोग यहीं पे डिनर करेंगे। ये है जो कि टाइम बताती रहती है कि कितने बजे तक ब्रेकफास्ट एंड डिनर यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। अभी हो रहे हैं 8:35, ये बोला थे 9:30 तक आप अभी भी ऑर्डर कर सकते हो। ये है इनका किचन। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम वायनाड, डे 3 इन वायनाड। आज तो बहुत कोहरा है बाहर, अमित बाहर पूरा कोहरे का मज़ा ले रहा है। कल इतना अच्छा सनराइज हुआ था यार, हम लोगों ने देखा था, मज़ा आ गया था। अभी अभी हम लोग ऊपर टेरेस पे गए थे और बहुत ज़्यादा फॉग है आज। और ये है मेरा मॉर्निंग फेस। आजकल मेरा मॉर्निंग फेस ठीक लगने लगा है क्योंकि मैं नाइट में ना अपना प्रेप करके फिर सोती हूँ, नाइट वाला जो रूटीन है उसके रूटीन में जरूर करना चाहिए। मैं आ गई हूँ ऊपर हॉट वाटर तक के लिए रेस्टोरेंट में, यहाँ पर फैसिलिटी अच्छी है कि बहुत अच्छा है। हॉट वाटर मांगो देते हैं। सुबह सुबह ये बंदा बोलता है चलो हम लोग ड्राइव पे चलते हैं, मैंने कहा चलो चलते हैं, गाड़ी साफ कर रहा है, फॉग बहुत ज़्यादा है। अच्छा लगता है यार घूमने आओ इस तरीके से, हर चीज़ का मज़ा लो, सुबह सुबह उठो ट्रैकिंग पे जाओ। इस होटल की सबसे अच्छी चीज़ है ना हॉस्पिटैलिटी, कुछ भी मांगो तुरंत आ जाता है रूम में, प्लस बहुत ही क्लीन है इनके सारे सामान वगैरह। मंगवाए देखो कितने क्लीन कप हैं, अदरवाइज़
कुछ होटल्स में कप वगैरह बहुत क्लीन नहीं होते हैं। स्टाफ भी काफ़ी फ्रेंडली है और अच्छे से सब कुछ, जो भी बोलो यस मैम करके सब कुछ दे रहे हैं। व्हाट अ लवली वेदर, मज़ा आ गया, मस्त नज़ारे हैं यार इस होटल के। उधर लगा हुआ ब्रेकफास्ट, हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, मैं भी ले लेती हूँ यार, फ्रूट्स ले लेती हूँ। किसका जूस है? एक गाय जूस पी लो। किसका जूस है? वाटर मिलन है मेरे ख्याल, रक्त लग रहा है, रक्त वाटर मिलन जूस पपाया ले लो। तो मैं घूम घूम के रील बना सकती हूँ, नाच नाच के एक रील तो बनती है। गाइस आज हम अपने होटल की बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं। कल मैंने अमित को बोला था बिल्कुल टॉप पे चलते हैं और इन्होंने बहुत अच्छी सी अरेंजमेंट कर रखी है। यहाँ पे पूरी ग्रास वगैरह लगा रखी है टेरेस पे, बट यहाँ से व्यू देखो यार, बस आप लोग व्यू इंजॉय करो। क्या तो व्यू है, पीछे लेक है, इधर पूरे माउंटेन्स हैं, मतलब अल्टीमेट व्यू है यार इस होटल का, अल्टीमेट। बट इस होटल में थोड़े रूम्स कम हैं, अदरवाइज़ तो काफ़ी फेमस हो जाए ये होटल। अल्टीमेट व्यू है, देखो यहाँ पे खड़े होकर रील्स बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। हेलो गाइस, सो वी आर लीविंग फ्रॉम द होटल और बाय बाय दिस बालकनी, बाय बाय दिस व्यू। बहुत अच्छा व्यू था यार, पर वही है होटल में दो दिन रहने के बाद तो चेक करें कोई सामान तो नहीं रह गया। होटल में दो दिन रहने के बाद तो लगता है यार अब अपने घर चलो, नहीं कोई सामान भी नहीं है यहाँ पे। सो या स्टे कनेक्टेड, अब हम कुछ पॉइंट्स और कवर करेंगे, अमित का मन है कि हम कुछ पॉइंट्स और कवर करें, देन फिर हम आगे जाएंगे अपने घर की तरफ, वायनाड टू बेंगलोर। सो लेट्स गो। नाइट व्यू तो लिया ही नहीं हमने इस होटल का, नाइट व्यू मैंने लिया था बस दो ही शॉट है छोटे छोटे। ओके सो बाय बाय टू द होटल, आराम से बोलो चिल्ला के, बाय बाय टू द होटल। यार बहुत अच्छा व्यू था यार, इसका बालकनी व्यू हमें मिल गया था ना, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। व्यू होता है लिया था तुमने बालकनी व्यू? हाँ अच्छा।